क्या कहेंगे सर द्वादश कुंभ को लेकर? जो द्वादश कुंभ की परिकल्पना है वो हमारे आर्ष ऋषियों मुनियों ने पूरे भारत की संस्कृति को एक रखने के लिए, भारत की अखंडता को ध्यान में रखकर, सांस्कृतिक समन्वय को ध्यान में रखकर, एक एक जन के आध्यात्मिक उत्थान को ध्यान में रखकर इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में द्वादश मास, द्वादश आदित्य और द्वादश राशियों के हिसाब से 12 स्थानों पर द्वादश कुंभ की संकल्पना की थी। और ऐसा मानते हैं कि वैदिक युग में यह द्वादश कुंभ जागृत और ऐसे 12 स्थानों पर, जो देश में कोई स्थान बद्रिकाश्रम है, तो दक्षिण में रामेश्वरम और कुंभकोणम है, तो पूर्व और पश्चिम में जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी है, और गंगा सागर भी है, और उसी में से एक स्थान यह कुरुक्षेत्र भी रहा। यहाँ किसी समय प्राचीन काल में वैदिक युग में कुंभ जागृत थे और उसका उद्देश्य इस देश के एक एक क्षेत्र को एक सूत्र में बांधना और पिरोना था। और उसका आधार ज्योतिष को बनाया गया, जिसमें हम सभी को ज्ञात है कि सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति, जिसका एक मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उन तीनों ही ग्रहों के एक राशि में आने पर कुंभ का योग बनता है। और इस मत से वृश्चिक राशि में यह तीनों ही ग्रह दिसंबर के महीने में कुरुक्षेत्र में इस स्थान पर होने से यह योग हो रहा है, और ऐसा विधान अब अगले 12 वर्षों के बाद आएगा। और यह भी जानना बहुत रोचक है कि द्वादश कुंभों के पुनर्जागरण का जो संकल्प है, वह सिमरिया देवस्थान में स्थित एक संत स्वामी चिदात्मन जी महाराज ने दैव प्रेरणा से उन्होंने यह संकल्प लिया कि इनका जागरण किया जाए, और आह्वान किया तो लोग साथ आए। बद्रिकाश्रम में, जगन्नाथपुरी में, द्वारिकापुरी में, रामेश्वरम में पुनर्जागरण का यह आयोजन बड़ा ही सफल रहा है, और पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि कुरुक्षेत्र में भी यह आयोजन पूर्ण रूप से सफल।